नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। आज के इस न्यूज़ में मैं आपको एक ऐसी अलौकिक जगह के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जिस प्रकार माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव दर्शन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार माता भद्रकाली की पूजा अर्चना के बाद कनुनिया माई के दर्शन अति आवश्यक है। आपको बताते चले कि माँ भद्रकाली मंदिर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कनुनिया माता का मंदिर। तो जो भी लोग माता भद्रकाली की पूजा करने आते हैं वो कनुनिया माई के दर्शन अवश्य करें। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बाबा जी आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है और कनुनिया माई के पुजारी। इस मंदिर के विशेषता के बारे में बताएं। देखिए, ये मंदिर कनुनिया माई का नाम है। यहाँ पर जो माई का ये प्रतिमा है वो आपका तीन भाग में बटा हुआ है। आकाश है, पृथ्वी लोक है, पाताल है। तो आकाश में अमृत का कलश है जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला तो अमृत के कलश में रखा गया। बाकी पृथ्वी लोक में आ जाइए तो एक तरफ चंद्रमा देवता है, एक तरफ सूर्य भगवान है। अब माँ सती का जो 52 टुकड़ा हुआ था तो माई का दाहिना हाथ यहाँ पे आ गया है। और पतालपुरी में एक ज्योतिर्लिंग है और दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि है। जो पतालपुरी में अपने ससुर को पूजा कर रहे हैं, जिस समय यहाँ पे ये पतालपुरी में रिद्धि सिद्धि जो पूजा कर रहे हैं, जिसमें गणेश और कार्तिक पूछा गया कि भाई जो चारों धाम का परिक्रमा करके आएगा वो सबसे पहले पृथ्वी लोक में पूजा जाएगा। तो भाई कार्तिक महाराज तो वहाँ पे अपना उनका सवारी मोर था वो लेके निकल गए और अपना परिक्रमा करने लगे। तो भाई गणेश भगवान सोचे वहाँ कि भाई तो मेरे पास सवारी जो है वो मूषक है, तो हम तो चारों धाम का परिक्रमा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए वो शंकर भगवान और माता पार्वती के सामने बैठाए और 5 बार परिक्रमा किए। तो 5 बार परिक्रमा करने के बाद जब शंकर भगवान पूछे कि आखिर भाई तुम मेरा परिक्रमा क्यों कर रहा है, तो गणेश भगवान बोले मेरा चारों धाम मेरे माता पिता ही हैं जो हम आपका परिक्रमा कर रहे हैं। उसी समय यहाँ पे आपके जाके शंकर भगवान और माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पृथ्वी लोक में सबसे पहले तुम ही पूजे जाओगे। ये माँ भद्रकाली का प्राचीन मुख्य द्वार है। यहाँ पर मुख्य द्वार होने का कारण हो गया कि जो माँ यहाँ श्रद्धालु भक्त जो आते थे यहाँ से दर्शन करने के बाद ही जाते थे, क्योंकि ये आपका मेन रास्ता मेन रोड यही था। बीच में उधर बन गया जिससे लोग उधर जाते हैं। माँ भद्रकाली जो आते हैं तो माँ भद्रकाली पूजा करने के बाद कनुनिया माई अवश्य पूजा करने आना चाहिए। जो भक्त माँ भद्रकाली पूजा करने के बाद अगर यहाँ नहीं आते हैं तो माँ भद्रकाली ये धर्म क्षेत्र आने का उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्रद्धालु भक्त माई के दरबार में, कनुनिया माई के दरबार में एक बार अवश्य पूजा करें और दर्शन करें।